हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सर्दी का मजा ले रहे हो या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो बच्चे, आजकल सर्दी तो हो रही है, बट इस सर्दी के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़ देना, क्योंकि देखो जब एग्जाम शुरू होंगे तब ना तो गर्मी होगी ना सर्दी होगी। बढ़िया, बहुत ही अच्छा मौसम होगा, बसंत का मौसम होगा, और आपके कोई बहाने नहीं चलेंगे उस टाइम। तो चाहे रजाई में बैठ के सही पढ़ाई शुरू करो। पर ये वीडियो मैंने आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बनाई है कि आपको मैं पढ़ाई के लिए कहूँ, वो तो आप पढ़े रहो मुझे पता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि खुशखबरी मुझे आपको देनी है, और ये खुशखबरी मैं आपको दे चुका हूँ लाइव पर, बट बच्चों ने वो शायद लाइव बहुत नहीं देखा, क्योंकि बड़ा लाइव हो जाता है 30 मिनट का, और जब मैं लाइव होता हूँ उसमें थोड़ा टाइम खिंच जाता है, क्योंकि बच्चों के सवाल के आंसर देने पड़ते हैं। अब एक छोटी वीडियो बना रहा हूँ, एक सीबीएसई का बहुत खुशखबरी वाला न्यूज़ है आपके लिए। हाई कोर्ट में एक मामला गया जिसमें एक टीचर, सीबीएसई चेकर, बच्चे को मार्क्स देना भूल गया। टिक तो कर दिया लेकिन मार्क्स देना भूल गया। मामला पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट ने एक आदेश दिया है सीबीएसई को कि अगर कोई टीचर कॉपी चेक करते हुए टिक तो लगा देता है लेकिन मार्क्स नहीं देता है, तो ऐसे केस में उस बच्चे को उस क्वेश्चन पर फुल मार्क्स देने पड़ेंगे, चाहे उसका गलत हो, सही हो या आधा सही हो। अगर टीचर ने टिक कर दिया है लेकिन मार्क्स नहीं दिए, भूल गया टीचर, तो इस केस में बच्चे को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे सीबीएसई को, और ये रूल बन चुका है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि अब तक क्या होता था, अगर टीचर नंबर टिक कर दिया और टीचर नंबर देना भूल गया तो फिर बच्चे का नुकसान होता था, और रीचेकिंग में कहीं जाकर पहले पैसे खर्च करो फिर रीचेकिंग करवाओ, बहुत टेंशन होती थी। और जब कंपार्टमेंट की मार्कशीट घर पे आती है, कंपार्टमेंट की सूचना घर पे आती है, तो जो स्ट्रेस होता है वो आप समझ सकते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। आज से यानी अब से माननीय हाईकोर्ट के आदेश से जब भी कोई बच्चा ऐसा उसके साथ होता है कि उसकी कॉपी चेक हो गई, टिक लग गया लेकिन उसको मार्क्स नहीं दिए गए, उस केस में बच्चे को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे सीबीएसई को। आई होप ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।